नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है धर्मराज यमलोक में पापियों को कैसे सजा देते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपके एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज की ये वीडियो गरुड़ पुराण के अनुसार शुरू करते हैं कि धर्मराज पापियों को अपने यमलोक में कैसे सजा देते हैं। दोस्तों, हमने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना है कि अगर हम जीवन भर बुरे कर्म करते हैं तो मौत के बाद भी हमारी आत्मा को बहुत सी भयंकर यातनाओं और कष्टों को भोगना पड़ता है। जैसे वैतरणी नदी से भी होकर गुजरना पड़ता है, यमदूतों की मार भी सहनी पड़ती है और पापी आत्मा को तो पशु नोच नोच कर भी खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारी पाप और पुण्य का जो यह लेखा जोखा है, यह कौन रखता है और कैसे यमलोक में धर्मराज किस प्रकार उन पापी जीवात्माओं को सजा देते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय में धर्मराज द्वारा पापी आत्माओं को सजा देने का वर्णन मिलता है। पक्षीराज गरुड़ जी भगवान श्री हरि से प्रश्न करते हैं, हे केशव, यम मार्ग की यात्री करने के बाद जब यम भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातनाओं को भोगता है और किस प्रकार धर्मराज उन पापी आत्माओं को सजा देते हैं। इस पर भगवान श्री हरि कहते हैं, जो आत्मा नास्तिक और महापापी प्राणी होते हैं उनके बारे में धर्मराज भली भांति जानते हैं, फिर भी वो चित्रगुप्त से उनके शुभ और अशुभ कार्यों के बारे में पूछताछ करते हैं, जिस पर चित्रगुप्त श्रवणों में पापी आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शरुण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो पृथ्वी और पाताल स्वर्ग में विचरण करते रहते हैं। उनके कान सुदूर से ही सुनने वाले और नेत्र दूर से सब कुछ देखने वाले हैं। जो वो श्रवण और उनकी पत्नियां ही हैं जो हम सब के बारे में सब कुछ जानती हैं। मृत्यु के बाद जब हमारी आत्मा यमलोक में पहुंचती है तो श्रवण ही हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा चित्रगुप्त को सौंपते हैं, जिसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज को सब कुछ बताते हैं और फिर जीवात्मा उस कर्मों के आधार पर सजा देते हैं। इस प्रकार पापियों के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप विकराल रूप दिखाते हैं। यमराज की 32 भुजाएं, लाल आंखें और 3 योजन जितना विशाल काय शरीर देखकर आत्मा जोर जोर से चिल्ला उठती है। तब धर्मराज से आज्ञा लेकर चित्रगुप्त जीवात्मा से कहते हैं, अरे पापी दुष्ट आत्मा, जो पाप तूने किए वो सभी दुख देने वाले थे और ये जानते हुए भी तूने वो पाप क्यों किए? जिस प्रकार खुशी के साथ तूने वो पाप किए हैं तो अब इस समय तू उनके बारे में सोचकर भयभीत क्यों हो रहा है? धर्मराज की ये बातें सुनकर जीवात्मा और जोर जोर से रोने लगती है और अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों के बारे में सोचकर विलाप करने लगती है। इसके बाद धर्मराज भी चोर की भांति बैठे पापियों को देख
दूतों को उन्हें सजा देने की आज्ञा देते हैं। यमराज की आज्ञा पाकर चंडक और प्रचंड नाम के दूत एक पास में आत्मा को बांध कर नरक की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अध्याय 3 में यह उल्लेख मिलता है कि नरक की शुरुआत में अग्नि के समान प्रभाव वाला 5 योजन में फैला और एक योजन ऊंचा बहुत विशाल पेड़ है। इस वृक्ष में नीचे की ओर मुख करके सभी पापी जीवात्माओं को सांकलों से बांधा जाता है। फिर दूत उनकी पिटाई करते हैं। जीवात्मा बहुत रोती है, तड़पती है, भूख और प्यास से तड़पती है, अपने किए हुए कर्मों पर रोती है, लेकिन उनकी करुण पुकार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। जीवात्मा यमदूतों से क्षमा मांगती है, लेकिन यमदूत उन्हें लोहे की लाठियों, गदों, भालों से लगातार मार मारते हैं और कहते हैं, हे पापी आत्मा, तूने इतने दुराचार क्यों किए? तूने क्यों कभी सुलभ काम और अन्न का दान क्यों नहीं किया? तूने कभी पितरों के लिए तर्पण नहीं किया? कभी कुत्ते और गायों के लिए दान नहीं किया? कभी कोए को रोटी नहीं डाली? कभी अतिथियों का सत्कार नहीं किया? अगर तू ऐसा करता होता तो तुझे इस तरह की यात्रा कभी नहीं झेलनी पड़ती। ऐसा कहकर यमदूत जीवात्मा को और निर्दयता पूर्वक पीटने लगते हैं, जिससे जीवात्मा अंगारों की तरह जलती हुई वृक्ष से नीचे गिर जाती है। वृक्ष गिरते ही जीवात्मा को कुत्ते नोचने लगते हैं। इसके बाद धर्मराज की आज्ञा से यमदूत उस जीवात्मा को तामिश्र नरक में फेंक देते हैं। दोस्तों, इसी वृक्ष के बाद 84 लाख नरक शुरू हो जाते हैं, जहां जीवात्माओं को उनके पापों और कर्मों के आधार पर भेज दिया जाता है। वैसे तो ये सभी नरक बहुत ही दुखदायी और कष्टकारी हैं, लेकिन इनमें से भी 21 नरक जैसे तामिश्र, महारौरव, रौरव, सालमली, कालसूत्रक ऐसे नरक हैं जो अत्यंत भयंकर और कष्टकारी नरक हैं, जहाँ जाने पर जीवात्मा को बेहद कष्ट और पीड़ा सहनी पड़ती है। दोस्तों, इस तरह है धर्मराज पापी आत्माओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जिसके बाद उन्हें शुभ और अशुभ कार्यों के अनुसार नरक और स्वर्ग प्रदान करते हैं। इसी के साथ फिर से 84 में फेंक दिया जाता है और बार बार जन्मने और मरने के बाद कर्मों के अनुसार यही घटना चक्र और क्रियाक्रम चालू रहता है। दोस्तों, इससे हमें सीख भी लेनी चाहिए कि हमें अच्छे कर्मों में ध्यान लगाना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, दान करना चाहिए, दुखी दरिद्रियों की सहायता करनी चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि एक भगवान का भजन ही हमें इन 84 लाख योनियों से बचा सकता है और इन भयंकर कष्टकारी नरक से बचा सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और परमात्मा का भजन भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।